के साथ जो हुआ है शर्मिंदा हैं। हम सब इसी जगह के रहने वाले हैं, खासकर शहरी श्रीनगर के हवाले से मैं कहता हूं कि हम सब यहीं के हैं और हमारा ये एक बच्चा यहां उठ के ऐसी गुनूनी हरकत करता है, जितना इसकी निंदा की जाए कम है। इंसाफ की उम्मीद भी है कि पुलिस की भी अच्छी कार्रवाई हुई, उन्होंने गिरफ़्तार किया। मुबारकबादी देते हैं पुलिस को भी, डॉक्टरान को भी मैं मुबारकबादी दे रहा हूं, जिस तरह से उन्होंने इस बच्ची का परसों से यहां ख्याल रखा है। हम इसलिए आए थे कि अगर इस बच्ची को बाहर ले जाके इसकी इलाज एडवांस इलाज की ज़रूरत है, तो हमने इनकी फैमिली से मुलाकात की और उनको ऑफ़र किया कि जो भी जहाँ भी डॉक्टर कहेंगे इसका इलाज हो सकता है, इसको ले जाइए और इसका खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, जो भी खर्चा होगा हम बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह करे कि हमारी किसी और बच्ची को ये ना देखना पड़े। और मैं अपने इस शहर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूँ, हर माँ बाप की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएँ, लड़कों को सिखाएँ लड़कियों के साथ कैसे पेश आना है और लड़कियों को सिखाएँ लड़कों के साथ कैसे पेश आना है। ये वो जगह थी जहाँ ऐसा कभी सुनते नहीं थे। बहरहाल अफसोसनाक वाक़ा है, तो हम एक छोटा सा अपनी तरफ से ये इस ख़ानदान के साथ खड़े हैं और जो भी इनको इस बच्ची के इलाज के लिए लगेगा हमने वो पेशकश की है। और अल्लाह के फजल से हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बच्ची को अपनी आंखों की बिनाई वापस आ जाए। अल्ताफ साहब, क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं लूप होल्स हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस हमने पिछली दफ़ा भी देखे हैं, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए होते तो आज शायद ये देखिए मैं बताऊंगा। यहाँ ये डेमोक्रेसी है, यहाँ कानूनी एक कार्रवाई है, उसका एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही होगा। यहाँ ये तो है नहीं कि आप उठा के किसी के बाजू या ना हाथ काट सकते हैं या टांगे काट सकते हैं। एक डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ हम कभी कह सकते हैं बुरी बातें। बहरहाल कानून कानून है। इंशाल्लाह जिस तरह से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 घंटे में उनको कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया है, बहुत अच्छी बात है। और हमें अभी मालूम हुआ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, डीसी साहब, एसपी साहब, डीआई, बाकी अरकान भी है, मुझे मालूम है वो लोग भी चाहते होंगे कि हम इस बच्ची के लिए जो करना कर सकें वो करें। लेकिन चूंकि सरकार में एक प्रोसीजर होता है, तो हमने आके यहाँ अपनी तरफ से पेशगी दी है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फैमिली उसका पूरा इस बच्ची को इलाज के लिए जहाँ भी डॉक्टर रिसर्च करके ले जाएगी। तो सब आपकी पार्टी की तरफ से इनको ऑफर मिला जितना भी हो सकता है, इवन मेयर साहब ने भी कल ऐलान किया कि वो अपनी एक सैलरी का महीना दे रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पीछे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं है। क्या ये देखिए, हम अलग अलग इसको अलग अलग खातों में नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं इंसानियत की निगाह से। मैं इसलिए इस निगाह से नहीं इसको देखता हूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं किया और किसी ने किया नहीं। एक नेक इकदाम है, इसमें कोई सियासत नहीं है, जो भी करना चाहेगा। तो इसमें मुझे, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई चूक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से। सब सबका अपना अपना ये है, उनका अपना तरीका है काम करने का। और उनसे जो हो सकता था, अभी तक फ्रीज अगर दवाई दी जा रही है इस बच्ची को, इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन ही दे रही है ना। मैं मुझे पता लगे ये बहुत महंगे महंगे दवाई है, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। और इन चीज़ों में मैं एक चीज़ मेरे भाई बताऊँ, ये सब चीज़ें मिलजुल के ही हो सकती हैं। देखिए ये सब चीज़ें मिल, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम आए हैं। एक बाप के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ, एक भाई के तौर पर यहाँ आया हूँ, हम लोग कोई किसी सियासत के निगाह से नहीं आए। सर, एक्यूज्ड के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? उसको तो कानून में सज़ा, उसके लिए इबरतनाक सज़ा होगी ही कानून में, ऐसा है नहीं। और हमने वो भी ऑफ़र किया है कि अगर हमारी लीगल सर्विसेज, हमारी लीगल टीम की ज़रूरत होगी, हम वो भी खड़े करेंगे। सरकार तो करेगी, प्रोसिक्यूशन इसको करेगी, लेकिन अगर हमारे अच्छे वकीलों को भी खड़ा करने की और ज़रूरत है, वो भी करेंगे। आप लोगों पे जिम्मेवारी है, मीडिया पे आप भी हाईलाइट करिए इन चीज़ों को, समाज से इन चीज़ों को, बिद्दतों को दूर करना है। आप देखिए हमारे समाज में ड्रग्स की कितनी बिद्दत है इस वक्त, ये सब चीज़ें तो उन सब चीज़ों के साथ मुंसलिक है ना। हम सबको एक जंग छेड़नी है इन सब चीज़ों के खिलाफ। शुक्रिया।